हिजबुल्ला का मिसाइल मैन खत्म हो गया है तो दूसरी तरफ नसरल्ला के खात्मे तक हमले जारी रहेंगे। तो लिविंग रूम में रॉकेट गैरेज में मिसाइलें मिली हैं। इसराइल पर हवाई हमलों के महज चंद दिन बाद ही जवाबी एक्शन में लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने हिजबुल्ला के सीनियर कमांडर इब्राहिम कुबैसी को मार गिराया। इब्राहिम कुबैसी ने न सिर्फ हिजबुल्ला के टॉप कमांडर्स में से एक था बल्कि वो इस संगठन का मिसाइल मैन भी था। अब तक इसराइल की धरती पर जितने भी हवाई हमले हुए उनको अंजाम देने का काम कुबैसी ने ही किया था। इसराइल टाइम्स के मुताबिक मंगलवार को बेरूत की दक्षिणी उपनगर में एक इजरायली हवाई हमले में कुबैसी समेत कम से कम 6 लोग मारे गए। इसराइली फोर्स ने कहा कि इब्राहिम कुबैसी हिजबुल्ला के रॉकेट और मिसाइल डिवीजन का चीफ था। हालांकि लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि किसे निशाना बनाया गया था या फिर इसराइल का टारगेट मारा गया या नहीं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक दिन पहले कहा था, जिस किसी के लिविंग रूम में मिसाइल है उसके पास घर नहीं होगा। हिजबुल्ला ने हमलों के कुछ घंटों बाद इब्राहिम कुबैसी की मौत की पुष्टि की। एक बयान जारी कर कहा गया कि कुबैसी यरूशलेम की ओर जाते समय शहीद हो गए। ये शब्द इजरायली हमलों में मारे गए गुर्गों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। IDF ने कहा, पिछले कई सालों और युद्ध के दौरान वो इजरायली घरेलू मोर्चों पर हमलों के लिए जिम्मेदार थे। कुबैसी मिसाइलों के क्षेत्र में ज्ञान का एक केंद्रीय स्रोत थे और हिजबुल्ला की सीनियर लीडरशिप का करीब था। यूं तो ये लड़ाई 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमले के बाद शुरू हुई, लेकिन पड़ोसी देश लेबनान में सक्रिय हिजबुल्ला आतंकी संगठन ने फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता में इसराइल पर हजारों रॉकेट मिसाइल और ड्रोन दागे। इसराइल के आयरन डोम सिस्टम के चलते वहां इन मिसाइलों के कारण ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हालांकि जब इसराइल की तरफ से लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर जवाबी एक्शन दिया गया तो वहां लाशों के ढेर लग गए। एक दिन पहले ही लेबनान में इजरायली हमलों में 500 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। इजरायल की सेना ने मंगलवार को तस्वीरें और वीडियो भी जारी करके लेबनान के हथियारबंद संगठन हिजबुल्ला की पोल खोल दी कि वो कैसे नागरिकों को ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। इजरायल की सेना आम घरों में हिजबुल्ला के हथियार रखे होने का सबूत पेश कर दिया है, जहां लिविंग रूम में रॉकेट और गैरेज में मिसाइलों को रखने की तस्वीर और वीडियो सामने आए हैं। इसराइल ने आम लोगों को ऐसे हथियारों वाले घरों को छोड़ने की अपील की है क्योंकि वो इनको निशाना बना रहा है। इसराइल ने ये तस्वीरें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लेबनान के लोगों से खतरे से दूर रहने के लिए कहे जाने के तुरंत बाद जारी की। सेना की चेतावनी के साथ जोड़ा गया है इसे, जिसमें दक्षिणी लेबनान के लोगों से घरों और अन्य इमारतों को तुरंत खाली करने के लिए कहा गया। हिजबुल्ला हथियार रखता है जहां। इसराइल ने कहा कि वो आतंकवादी समूह के खिलाफ बड़े हमले कर रहा है। इसराइल सेना ने तस्वीरों के साथ एक्स पर एक पोस्ट में कहा, नीचे जो रॉकेट आप देख रहे हैं वो एक लंबी दूरी का रॉकेट है जो इजरायली नागरिकों की ओर निशाना करके रखे एक हाइड्रोलिक सिस्टम पर रखा है और एक पल की सूचना पर लॉन्च करने के लिए तैयार है। इजरायली सेना ने कहा कि ये लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों, भारी वजन वाले रॉकेटों और UAV सहित 1300 निशानों से एक है जिन्हें लेबनान में निशाना बनाया गया, जिनका इस्तेमाल इसराइल के सभी क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाने वाला था। नेतन्याहू आगे कहा कि हिजबुल्ला लेबनान के लोगों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। मेरे पास लेबनान के लोगों के लिए एक संदेश है, इसराइल का युद्ध आपके साथ नहीं है, ये हिजबुल्ला के साथ है। इसराइल हमास जंग में जैसे ही लेबनान के आतंकी गुट हिजबुल्ला की एंट्री हुई, उसी दिन साफ हो गया था कि ये जंग अब थमने वाली नहीं है। इसराइल अपने लोगों के कातिलों का बदला जरूर लेगा। इसके बाद इजरायली सेना ने हमास के आतंकियों की तलाश में गाजा में लाशें बिछा दी, एक एक ठिकाने तबाह कर दिए। पूरा गाजा बारूदों से ढक गया। अब तक 42,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसराइल अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि हिजबुल्ला की एयर स्ट्राइक से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का गुस्सा 7वें आसमान पर है। नतीजा इसराइल ने कत्लेआम मचा दिया। एक ही दिन में इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के 1500 ठिकाने तबाह कर दिए, करीब 600 लोगों को मार डाला। नेतन्याहू ने हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला के पूरी तरह
खात्मे की कसम खा ली है। तो क्या नसरल्ला के खात्मे तक हमले जारी रहेंगे? अमेरिका की अपील के बाद भी नेतन्याहू क्यों मानने को तैयार नहीं है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को यूएन के मंच से सीज फायर की अपील की, कहा दोनों ओर निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, हजारों लाखों लोग नरक की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं, गाजा में भी निर्दोष लोग जो हैं उनकी मौत हो रही है, लोग तंबुओं में रह रहे हैं, खाने पीने के लिए तड़प रहे हैं, समय आ गया है युद्ध बंद होना चाहिए, हमास भी बंधकों को रिहा करे, उन्हें उनके घर भेजे, इसराइल गाजा के लोगों की पीड़ा समझे और इस जंग को बंद करे। इसराइली सेना ने दावा किया कि उसने साउथ बेरूत में एक अपार्टमेंट में छिपे हिजबुल्ला के कमांडर इब्राहिम कुबैसी को मार गिराया। इब्राहिम कुबैसी हिजबुल्ला के मिसाइल सेंटर का इंचार्ज था। आईडीएफ ने भी दावा किया कि हमले के वक्त वहां मिसाइल और रॉकेट बनाने वाले कई कमांडर मौजूद थे, इनमें कई घायल हैं। इब्राहिम कुबैसी ने ही इसराइल पर मिसाइल हमले कराए थे। इसे हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला का बेहद करीबी बताया जाता है। उधर अमेरिका ने भी अपना जंगी जहाज उतार दिया। इसके बाद नसरल्ला टेंशन में है और अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। अब जानिए कि आखिर नसरल्ला टारगेट पर क्यों है। हसन नसरल्ला लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्ला का चीफ है। लेबनान में ये काफी पावरफुल है, इसे ईरान का समर्थन प्राप्त है। इस वजह से इसराइल हसन नसरल्ला के घृणा करता है, उससे घृणा करता है। नसरल्ला के बाद एक ट्रेंड आर्मी जो ताकत में लेबनान की सेना से भी काफी आगे है। 2006 में इसराइल के साथ जंग के बाद से नसरल्ला कभी पब्लिकली दिखा नहीं, वो अज्ञात जगह से ही अपने लड़ाकों को निर्देश देता है। 64 साल का ये मौलवी हमेशा काली पगड़ी पहने हुए रहता है। इसके चार बच्चे हैं और इसका बड़ा बेटा हादी 1997 में इसराइल के खिलाफ लड़ते हुए मारा गया था। तो अब क्या हो रहा है, कहां क्यों हो रहा है, ये तो आपने समझ लिया, लेकिन ये देखना होगा कि अभी भी ये जंग कितने समय तक जारी रहेगी और आगे ये देखना होगा कि कौन से और भी देशों का इंटरफेरेंस इस पूरे मामले में रहता है।